आज हम लोग वीडियो में देखेंगे किस तरीके से कोई भी जो होता है ना, मतलब कोड को डिस्प्ले कराना है हम लोग HTML के हेल्प से। सपोज करिए, मान लीजिए आप लोग Geeks4Geeks की साइट चलाते हैं, कोई भी साइट चलाते हैं, उसमें क्या होता है कि जैसे इसमें कोड यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, हैश इंक्लूड स्टूडियो, ये सी लैंग्वेज का है, ऐसा कोड को हम लोग को डिस्प्ले कराना है HTML में। मतलब आप मान लीजिए अपना HTML फाइल में आ रहे हैं, अगर index.html फाइल में अपना कोई भी लैंग्वेज का कोड डिस्प्ले कराना चाहते हैं, वो शो कर दे वहाँ पे, ऐसा फॉर्मेट में कोड डिस्प्ले हो, कोई भी देख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे आगे किस तरीके से काम चल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, थर्ड पार्टी को यूज लेंगे, वहाँ से उसके हेल्प से हम लोग इंक्लूड करेंगे उसको अपने index.html फाइल में, और वहाँ से क्या करेंगे हम लोग उसको हेल्प लेकर अपने कोड को डिस्प्ले करा देंगे HTML पेज पे, वेब पेज में। देखिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो आपको ये अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करके जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो क्या है कि हम लोग यूज लेना है एक पार्टी का, क्या है, prismjs.com, ये साइट खुला है। ये क्या काम करता है ना, इसके हेल्प से हम लोग कोई भी वेब पेज में डिस्प्ले करा सकते हैं किसी भी लैंग्वेज का कोड। जैसे देखिए, यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ये वेब पेज है, यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है अपना जावास्क्रिप्ट का कोड है, ये डिस्प्ले कराया हुआ है यहाँ पे। बहुत सारे यहाँ पर बहुत सारा थीम है, मान लीजिए ये जो चीज़ है ब्लैक में दिखा रहा है, आप लोग यहाँ पर ट्यून लाइट है, डार्क है, डिफॉल्ट है, कुछ भी ले सकते हैं। हम लोग देखेंगे किस तरीके से काम कर रहा है। सपोज करते हैं हम लोग यहाँ पर टुमारो नाइट को यूज करते हैं, मतलब ये कलर यूज करते हैं, ठीक, हम लोग ये कलर यूज करेंगे। अब इसको कैसे डाउनलोड करना है, क्या क्या करना है, देखते हैं इसको। यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है, ये इस पेज पर आ जाएगा। इस पर क्या करना है कि यहाँ पर थीम जो लिखा हुआ है, थीम पे यहाँ पर टुमारो नाइट को क्लिक किया हुआ है, आपको जो चाहिए तो यहाँ पर डार्क ले सकते हैं, फनकी जो भी चीज़ है डिफॉल्ट ले सकते हैं। यहाँ पर क्या करना है, टुमारो नाइट को यहाँ पर क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे, फिर हम लोग यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, C++, जावास्क्रिप्ट, कुछ भी। तो यहाँ पर CSS सेलेक्ट किया हुआ है, जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट किया हुआ है, मार्कअप HTML, ये सब सेलेक्ट किया हुआ है पहले से। अगर आपको जो सेलेक्ट करना है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज करिए यहाँ पर हम लोग का क्या आ जाएगा, सी लैंग्वेज हो जाएगा, सी लैंग्वेज डिस्प्ले करना है, C# हो गया, C++ हो गया, इधर हम लोग ले लेते हैं पाइथन को। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कौन कौन आपको यूज़ में लेना है, आप लोग इसको चेकबॉक्स पर क्लिक करना है। और यहाँ पर पाइथन कहाँ गया, पाइथन मिल जा, देखिए यहाँ पर पाइथन है, इसको पाइथन में क्लिक कर। अभी के लिए इतना ही करते हैं, एग्जाम्पल में आपको यही दिखाना है इसलिए सेलेक्ट कर ले रहे हैं पाइथन, C++, जो भी चीज़ हो। और नीचे आते हैं हम लोग, अब नीचे आएंगे हम लोग यहाँ पर जो प्लगइन सेक्शन में लाइन हाईलाइट रहना चाहिए कि लाइन नंबर 1, 2, 3 शो करना चाहिए, तो हम लाइन हाईलाइट को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर लाइन नंबर शो करना चाहिए, और यहाँ पर एक कॉपी टू क्लिक बोर्ड होता है ना, यहाँ पर ये जो साइट है यहाँ पर आए तो ये देखिए कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, इसको हम लोग यूज करना है। तो वन क्लिक में पूरा कोड को कॉपी करना है, इसको यूज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कॉपी टू क्लिक बोर्ड इसको, और डाउनलोड पर क्लिक, डाउनलोड बटन के ऑप्शन आ जाए, डाउनलोड हो जाए, आपको जो अच्छा लगे आप लोग ये कर सकते हैं। नॉर्मलाइज वाइट स्पेस जो होता है उसको नॉर्मलाइज कर दे, जो करना है उसको सेलेक्ट करना है, कर लीजिए इसको, ठीक। अब नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद यहाँ पर डाउनलोड JS करना है, फाइल में JS फाइल डाउनलोड हो जाएगा, और यहाँ पे डाउनलोड CSS, और ये CSS फाइल डाउनलोड हो जाए। दो फाइल को आप लोग को डाउनलोड करना है, ये जो सेलेक्ट किया हुआ है ना, ये सेलेक्ट किया हुआ सब चीज़ को एक यहाँ पर JS फाइल में और CSS फाइल में डाल दिया गया है। अब क्या करना है, आपको कोई भी फोल्डर खोलना है जहाँ पर आपको कोड करना है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फाइल बनाएंगे index.html, ठीक। उसके बाद क्या करना है, हम लोग जो दोनों फाइल को डाउनलोड किए हैं वहाँ से उसको उठाकर इस फोल्डर में लाना है। तो यहाँ पे prism.css और prism.js, आप लोग जहाँ डाउनलोड का लोकेशन दिया गया होगा आप लोग वहाँ से उठाकर अपने फोल्डर में ला देंगे जहाँ पर आप लोग कोड करने वाले हैं। तो यहाँ पर कोड में जाएंगे तो यहाँ पर दो मेरा फाइल शो करेगा, इसको बड़ा कर लेते हैं, यहाँ दो फाइल शो कर रहा है, prism.css और prism.js। अब इसको हम लोग क्या करना है, इंक्लूड करना है अपने फाइल में। ये हम लोग सिंपल से बॉयलर प्रिंट हो गया, और यहाँ पर आएंगे हम लोग, यहाँ पर लिखते हैं कोड डिस्प्ले, ठीक। और यहाँ पर नीचे आने के बाद हम लोग CSS जो इसमें है इसको इंक्लूड करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो लिंक CSS, और यहाँ स्टाइल नहीं, prism.css, ठीक। और हम लोग जो जावास्क्रिप्ट फाइल था इसमें आकर हम लोग यहाँ पे script.src में दे देंगे prism.js, ये दोनों हम लोग का हो गया। इसके बाद क्या करना है, इसको सेव करते हैं और ओपन विथ लाइव सर्वर इसको खोल लेते हैं।
ये आ रहा है ठीक। यहाँ पे एक हेडिंग दे देते हैं H3 में कोट व्यू, कंट्रोल एसेप करेंगे, यहाँ पर आ रहा है ठीक है। अब क्या काम करना है हम लोग को, कोई भी कोड को डिस्प्ले कराना है तो हम लोग पता है यहाँ पर प्री टैग होता है, प्री टैग का मतलब क्या होता है, जैसा चीज़ है वो उसी को वहाँ डिस्प्ले कर देना है। तो इसके अंदर हम लोग कोड लेंगे, कोड टैग के अंदर हम लोग यहाँ कोड करेंगे। अभी सिंपल सा कोड लिखते हैं यहाँ पे पाइथन का, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, कंट्रोल एसेप करेंगे, यहाँ पर प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड आ रहा है। मतलब इसमें कुछ अभी CSS नहीं लगा हुआ है ना, जो प्रिज्म का भी यूज नहीं किया गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रिज्म का यूज करेंगे। प्रिज्म को यूज कैसे करना है, हम लोग यहाँ पर कोड के अंदर आएंगे, इसमें क्लास देंगे, क्लास लैंग्वेज पाइथन, कंट्रोल एस सेव करेंगे। यहाँ देखिए जैसे ही लैंग्वेज पाइथन दिए, ये पकड़ लिया CSS, यहाँ पर आ रहा है हेलो हेलो वर्ल्ड ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, लाइन नंबर शो करना है, लाइन नंबर कर दिए, कंट्रोल एस सेव करेंगे, लाइन नंबर शो कर रहा है। अब इसमें आप कुछ भी जोड़ सकते हैं, मान लीजिए इसी को यहाँ पर, कंट्रोल एस सेव करेंगे, कंट्रोल, और देखिए यहाँ पर पांच लाइन कर सकते हैं ठीक है। यहाँ पर कॉपी का बटन आ रहा है, कॉपी कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं ठीक है। अब मान लीजिए हम लोग कोड यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का लगे, तो जावास्क्रिप्ट का यहाँ पर JS लिखते हैं, यहाँ पर चाहे कुछ भी आपका जो लैंग्वेज हो आप वहाँ कर सकते हैं। पाइथन ईजी था, ईजी लगा दिया गया है। इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, प्रिज्म को यूज कर सकते हैं। अब प्रिज्म का डॉक्यूमेंटेशन चेक करिएगा, इसमें बहुत सारे लाइन नंबर हो गया, लाइन हाईलाइट हो गया, और जो देखिए और जो यहाँ पर वाइट स्पेस, देखिए वाइट जो इंडेंट होता है वाइट स्पेस मैनेज कर दिया गया है। मतलब कि जो हम लोग यहाँ पर है ना, ये शो नहीं किया है यहाँ पर। इस तरीके से ये काम करता है प्रिज्म डॉट CSS और प्रिज्म डॉट JS। आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं अपने वेब पेज में, और यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन जो है उसको चेक कर सकते हैं। इसमें और सारा क्लास दिया गया है, उसको यूज कर सकते हैं। आज बस ओवरव्यू है कि किस तरीके से यूज करते हैं। जब हम कर रहे थे हमको पता नहीं चल रहा था किस तरह से यूज करते हैं, हमको पता चला था, हम बता दिया आपको। आप लोग इसको देख सकते हैं प्रिज्म डॉट CSS जो यहाँ पर हम लोग का इसका डॉक्यूमेंटेशन है। आप लोग इसको बहुत सारा चेक कर सकते हैं, लाइन नंबर क्या है, ऑटो लिंकर क्या है, बहुत सारा लाइन हाईलाइट क्या है, फाइल हाईलाइट्स, बहुत सारा चीज़ें, बहुत सारा लैंग्वेज है, इसको यूज कर सकते हैं। और आपका जो थीम है आप फंकी कर सकते हैं, डार्क कर सकते हैं, जो करना है वो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।